गाइस, हेलो एवरीवन, होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ही तरीके से फैल गया है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक एक दिन में 2 लाख 3 लाख पता नहीं कितने केसेस आ रहे हैं। प्रति वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, वो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, मास्क पहन के ही बाहर जाइएगा, ज़रूरी है तभी बाहर जाइएगा, इतना ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ आप बाहर मत जाइएगा। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के क्वेश्चंस जो मेरे पास आ रहे हैं। रबर शीट क्या होती है जो आप लगाते हैं, जो रबर शीट होती है मैं आपको आज दिखाऊंगी, वो इस तरीके की होती है। ये बहुत बड़ा है, 2 मीटर मुझे मिलता है, ये 2 मीटर की शीट होती है। एंड ये ऑनलाइन तो शायद मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी, ऑनलाइन तो मुझे नहीं दिखा। एक ऑनलाइन बोसल बोसल करके कुछ आता है, बोसल इंटरफेसिंग, तो उसकी तरह मुझे लगा, बट वो ज़्यादा हार्ड है, वो ज़्यादा मोटा है। ये देखिए 2 mm, आई थिंक, होप कि आपको दिखाई दे रहा हो, मैं नेचुरल लाइट में कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। ये इतना ही है, 2 mm थिकनेस है इसकी, 2 mm भी, लेट मी, 2 mm से ऊपर नहीं है इसकी थिकनेस। इसमें पतला भी आता है, बहुत पतला शीट भी आता है। ये मैंने यूज किया हुआ था, तो आई थिंक मैंने काट लिया इधर से, तो ये 2 मीटर का पूरा ऐसे आता है। और ये देखिए कितना इसका जो ब्रेथ है वो भी 1 मीटर का है। एंड ये यहाँ से फोल्ड है, तो पूरा 2 मीटर का मुझे ये मिला है। मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी इस पिछले हफ्ते, महीने तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बता दूँ आपको, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज़ ये जो कोविड के केसेस आ रहे हैं, इस वजह से बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा है मैं कुछ भी करूँ। जो शीट है, वो शीट जो आएगी वो मुझे मिलती है 160 या 180 समथिंग रुपीज़ की। ये पूरी शीट मुझे मिली है मेरे पास के रिटेलर शॉप से, और आर्ट एंड क्राफ्ट, या जो बेसिकली जो आर्ट एंड क्राफ्ट के शॉप्स हैं, जो फैब्रिक अच्छे है, मतलब जो बहुत बड़ी शॉप होती है फैब्रिक, आप दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में शॉप्स मिल जाएंगी आपको जो फैब्रिक्स वगैरह रखती हैं, वो बुकरम भी रखती हैं, तो उनके पास ये अवेलेबल होगा। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं उनके पास ये अवेलेबल होगा। आप सर्च ज़रूर करिएगा वहाँ जाके रिटेलर्स पर, लेकिन अभी नहीं करिएगा, क्योंकि अभी बहुत कोरोना फैल रहा है, कोविड के केसेस बहुत हैं, बहुत हैं, तो ऑनलाइन ये मिलेगी नहीं। जो मुझे, मैंने सर्च करा है, मुझे नहीं मिला है। आप भी सर्च करके देख लीजिएगा, अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड। लिंक प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, उसमें प्लीज़ लिंक डाल दीजिएगा किसी को ये ऑनलाइन मिलता है तो। अमेज़न पे बोसल करके है, बोसल करके एक शीट आती है, वो है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि वो सेम है कि नहीं है, वो हार्ड भी आती है, वो आई थिंक वो सॉफ्ट भी आती है, जैसे ये है। पहले मैं यही लगता था कि यार ये बैग्स में होता क्या है, मैं बुकरम भी यूज़ कर रही, बुकरम से इतना ना इफेक्ट, वो सॉफ्टनेस और हार्डनेस, उसकी शेप लेना, वो नहीं आता था। देन मैंने सोचा कि मैं क्या यूज़ करूँ जिससे कि जो बैग्स की शेप है वो भी ले लें। ये जो बैग है विद ये इंटरफेसिंग जो मैं आपको बताया है, उससे मैंने बनाया है। इसमें स्टिफनेस देखिए, ये बैग का शेप ले रहा है, ये बैग का शेप ले रहा है, राइट। इसके अंदर मेरा पूरा का पूरा ये शेप ले चुका है, अगर मैं आपको कहूँ तो। स्टिफनेस है इसमें, और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये तो इसी जो मैंने इंटरफेसिंग लगाई है, ये उसके साथ है,
और अब मैं आपको एक बैग दिखाती हूँ जिसमें मैंने इंटरफेसिंग नहीं लगाई है, वो भी मैंने इसका ही फॉक्स लेदर का ही बनाया था। ये देखिए, सिर्फ मैंने जो लगाया है वो इसके नीचे लगाया है, थोड़ा स्टिफनेस के लिए बेस लगाया है इसका, वरना ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। ये ऐसा है सेम, बट इसमें मैंने ये जो जो यूज किया है इंटरफेसिंग, ये इसमें नहीं लगाई है। इसमें जो लगाया है मैंने इंटरफेसिंग लगाई है, जिसकी वजह से ये थोड़ा हार्ड भी, हार्ड इन द सेंस ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, हार्ड तो नहीं कहेंगे, अभी भी ये सॉफ्ट की तरह ऐसे ऐसे हो सकता है। इसमें मैंने ये थोड़ी सी पाइपिंग लगाई है। ओके, आप लोग देख पाए, ये जो पाइपिंग देख रहे हैं आप, ये पाइपिंग मैंने इसमें लगाई है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है जो बैग्स वगैरह होते हैं। और ये जो लगाई है इस वजह से भी, ये जो मैंने इसमें ये जो रबर शीट लगाई है, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा इसका आउटकम आता है निकल के। ये मुझे ओल्ड मार्केट में मिली है, ओल्ड मार्केट से भी मिल सकती है, मैंने ओल्ड मार्केट से भी खरीदा है। और जो ये शीट है, ये इसमें इससे चिपकाती हूँ अपने जो रैक्सीन है, रैक्सीन पे मुझे इससे चिपकाना पड़ता है। ये जो है ग्रेफाइट, उससे मेरे को चिपकाना पड़ता है। अगर आप रैक्सीन पे चिपका रहे हैं तो, अगर आप किसी कपड़े पे चिपकाएंगे तो ये इससे नहीं चिपकेगा, चिपक जाएगा, चिपकने में कोई प्रॉब्लम नहीं, चिपक तो जरूर जाएगा, बट इसका जो स्टेन है वो कपड़े पे लग जाएगा और वो कपड़े से निकलेगा नहीं, आप कितना भी इसको धो लीजिए। तो ये ओनली फॉर, अगर आप रैक्सीन या फॉक्स लेदर जिसे बोलते हैं, या आप नॉर्मल लेदर के लिए अगर आप इसको यूज कर रहे हैं शीट को, तो ये ग्रेफाइट से अच्छा मुझे कुछ और नहीं मिला, इससे ज्यादा अच्छा बेनिफिशियल मुझे और कुछ नहीं मिला। ये आपके फॉक्स लेदर पे इससे ज्यादा स्ट्रांगली और कोई नहीं चिपका सकता। तो ये अगर आपको फैब्रिक पे चिपकाना है तो फैब्रिक पे आपको ग्रेफाइट यूज नहीं करना है, आप सिंपली उसको उसी शेप में काटे जिस शेप में आपको जो जिस पे लगाना है, और थोड़ा थोड़ा आप उसको सिल सकते हैं, या एजिस पे, बिल्कुल बिल्कुल उसके एजिस पे आप इसको टच करके लगा सकते हैं। अगर आप पूरा लगाएंगे तो इस जो उसका स्टेन है, ग्रेफाइट का स्टेन है, वो आपके फैब्रिक पे लग जाएगा और वो नहीं जाएगा, कितना भी आप कर लीजिएगा वो नहीं जाएगा। एक चीज़ हो सकती है, अगर आप किसी फैब्रिक पे आप पहले पीछे उसके आयरन ऑन कर दें, आयरन ऑन मीन्स जैसे ये फैब्रिक है इसके पीछे मैं बुकरम चिपका देती हूँ आयरन वाला, जिसपे आयरन लगा के जो पेस्ट हो जाता है, जो पतले वाला आता है वो लगाइएगा, क्योंकि अगर आप ये भी लगाएंगे एंड देन आयरन वो बुकरम भी लगाएंगे मोटा वाला, तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, अगर आप उसको टर्न आउट करेंगे तो वो होगा नहीं ठीक से। तो जो बेसिकली मैं करती हूँ, अगर मुझे फैब्रिक पे भी लगाना है तो मैं पतले वाला, बिल्कुल पतले वाला जो पेपर टाइप आता है, पहले मैं वो उस पर पेस्ट करती हूँ। ये बुकरम है, ये जो शाइनी पार्ट है ये सारा पेस्टिंग है, इसको आप कपड़े पे लगाएं, पीछे प्रेस कर देंगे तो ये इससे चिपक जाएगा, उससे ये पेस्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा हार्ड है, तो अगर आप इसे टर्न आउट करेंगे उसके साथ तो इजीली हो नहीं पाएगा, या हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें मुश्किल रहेगी एजेस को कवर करने के लिए, एजेस को आप जब सो करेंगे, जब सिलाई करेंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है, बट ओवरऑल ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके इससे क्या होगा ना, इससे जो ये जो आयरन ऑन करके आप इसको पेस्ट कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये कपड़ा है, मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ये फ्रंट है, इधर बैक पे, अगर आपको अब थोड़ा सा ग्लू लगाना है तो आप इस पे लगाइएगा, इस पे लगाइए और एक दो सेकेंड
3 सेकंड 5 सेकंड तक आप इसे छोड़ दीजिए ऐसे, ये हवा में इस तरीके से करिए, वो हल्का हल्का सूखने लगेगा। देन यू कैन पेस्ट दिस दैट इंटरफेसिंग ऑन दिस। जब आप उसको हल्का हल्का सूखने लगेगा तब वो रेडी है इस पर चिपकने के लिए। आप उसको चिपकाइए इस पर, तो आप देखेंगे इस पर स्टेन नहीं आएगा। एक तो ये है, मैं इसको ये यूज करती हूँ। दूसरा, एक पेपर फ्यूजिंग होती है, सी दिस, इस पे बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ इस पे चिपक चिपक जाता है। एक पेपर फ्यूजिंग होती है, इसको जो एम्ब्रॉयडरी पार्ट होता है उसके लिए भी यूज किया जाता है। पेपर फ्यूज इसे बोलते हैं। पेपर की तरह होता है सी, मतलब ये एक ही तरफ से फटता है, अलग इस तरीके से, ये इस तरीके से नहीं फट सकता। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है वो ऐसे ही फटेगा, राइट। वो अगर आप इसको ऐसे करके ऐसे फट, ये फटेगा नहीं, खराब हो जाएगा। तो इजीली जो टियर होगा वो इस तरीके से ही होगा। तो इस तरीके का होता है, देखिए यहाँ पर ये पेस्टिंग के लिए शाइनी पार्ट है, तो ये पेस्टिंग, यहाँ पे पेस्टिंग होगी, ये चीज़ पेस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर पेस्टिंग होगी। इसको आप ऐसे रखिए और ऊपर प्रेस कर दीजिए तो ये चिपक जाएगा, और ये रफ साइड है, ये पीछे जाएगा बैक पे। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें गारंटी नहीं है इसमें स्टेन आ सकता है, बट अगर आप कम से कम ग्लू लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है अपने फैब्रिक को उस इंटरफेसिंग के साथ अटैच करने का। और बाकी की चीज़ें मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। ग्लू मैंने आपको बता दिया, मुझे ये मिला हार्डवेयर शॉप से, जो मेरा सबसे अच्छा ग्लू है, जो मुझे सबसे अच्छा बेस्ट ग्लू लगता है, मुझे ये लगता है ग्रेफाइट। ये मुझे पड़ा, वेट, 100 रुपीज़ का पड़ा है, एंड ये है 500 ml। मेरा अच्छा चल जाता है क्योंकि पिछले साल तो मैंने कुछ काम ही नहीं किया, तो जो पूरा भरा का भरा रखा है पिछले साल का, तो आपको सबको पता ही है, कुछ नहीं कर पाए, घर में भी कुछ नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं रहा, घर का काम, बच्चों की पढ़ाई, फिर अगेन घर का काम। तो चलिए अब मैं कोशिश करूँगी थोड़े दिनों में कि कुछ नया लेके आऊँ, कुछ नया तरीके से कुछ पाउचेस वगैरह बनाऊँ। मन तो मेरा भी बहुत करता है, बट यू नो, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा हो जाए, तो अच्छा दिल हो, अच्छा काम करने का मूड हो, सब अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, तो करते हैं। चलिए, बाय।